तीन महामंत्र। ओम त्वमेव सा
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री के सामने श्री माता जी को अपने हृदय में देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। मां की छवि को बीचों बीच हृदय में देखेंगे। अपने राइट हैंड को बाएं हृदय पे रख लेंगे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, अहंकार भी नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, कृपा करके हमारी आत्मा को पूर्ण प्रकाशित कीजिए। राइट हैंड को फ्रंट आज्ञा पे श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
दोनों हाथ माँ के सामने, दोनों हाथों पे, अपने चित्त में, अपनी आंखों में श्री माता जी की छवि को निरंतर देखते रहेंगे। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं, अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, श्री माता जी हमारे समर्पण को स्वीकार कीजिए, श्री माता जी हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे चित्त में जो भी अशुद्धियां हैं उसे हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। अपने तीनों नाड़ियों को देखेंगे बारी बारी, एड़ा नाड़ी को नीचे से ऊपर, रिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर, सुषुम्ना नाड़ी को, चित्त को पूरे भाव सागर में, श्री माता जी आप ही हमारी गुरु हैं, आप ही हमारी स्वामिनी भी हैं, कृपा करके हम सबको इस भाव से पार कीजिए। पूरे चित्त को भाव सागर में ही रखेंगे, धीरे धीरे अपने चित्त को सेंटर विशुद्धि पे, श्री माता जी हमें साक्षी भाव दीजिए ताकि हम स्वयं को देख सके, पूरे विशुद्धि को देखेंगे, तीनों विशुद्धि को, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, सेंटर विशुद्धि। शमाते जी हमारी विशुद्धि में पूर्ण संतुलन दीजिए, धीरे धीरे अपने चित्त को सिर के तालु भाग पे, सिर के तालु भाग पर माँ को देखेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें थोड़ी देर के लिए निर्विचारिता दीजिए ताकि हम आपके अमृत वाणी को सुन सकें। शमाते जी आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकें ऐसी अवस्था दीजिए। माफ कहते हैं वो त्रिकोणाकार और उसके बीचों बीच जाने वाली शक्ति नीचे जा करके हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे में जो त्रिकोणाकार अंत में जो अस्थि है उसमें जाकर बैठ जाए। इसी को हम कुंडलिनी कहते हैं क्योंकि वो 3.5 वर्तुलों में रहती है, कॉइल्स में रहती, कुंडों में रहती। और जो दो शक्तियां बाजू में मैंने दिखाई हुई हैं ये भी उसी त्रिकोणाकार
लोलक जैसे, प्रिज्म जैसे ब्रेन में से घुस करके और आपस में क्रॉस करके नीचे जाती। इस तरह से अपने अंदर तीन शक्तियां मैंने यहाँ दिखाई हुई है, जो एक बीचों बीच से जाकर नीचे बैठ जाती है और जो दो बाजू में जाती है। उसके अलावा जो लोलक की दूसरी साइड है या दिमाग की दूसरी साइड है, उसमें से भी जो शक्तियां जाती हैं वो दिखा नहीं रही हूँ, जिसे कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो संस्था वो है। ये जो यहाँ मैंने तीन संस्थाएं दिखाई हैं, इसकी जो बीचों बीच संस्था है इसे हम कुंडलिनी कहते हैं। इसके अलावा जो दो संस्थाएं हैं वो किस तरह से क्रॉस कर जाती हैं आप देख रहे हैं, और क्रॉस करने के नाते उसमें दो तरह के प्रवाह होते हैं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। जो अंदर की ओर प्रवाह जाता है उसी से हमारे अंदर पेट्रोल भरा जाता है, और जो बाहर की ओर प्रवाह जाता है उसी से हम बाहर जा करके किसी भी चीज को चिपक जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट। जानवर को किसी से इन्वॉल्वमेंट है, मनुष्य ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरा घर, ये मेरा देश, मेरा मैं, ये सब इसी कारण आता है क्योंकि ये जो प्रवाह हमारे अंदर में बाहर की ओर जाने की हमारे अंदर शक्ति है वही खींच ले जाता है हमारी भरने वाली। हम बाहर आसानी से चले जाते हैं, जैसे आप सबका चित्त मेरी ओर बहुत आसानी से है, किंतु अगर मैं सीधी बात कहूँ कि अपना चित्त आप अपनी ओर रखें, आप नहीं रखें, इससे सरल तौर कुछ होना ही नहीं थी, किंतु ये नहीं हो पाता है। उसके कारण ये है कि हमारे बाहर जाने की शक्ति ज्यादा है, और यही शक्ति हमें सिंपथेटिक नाम की नर्वस सिस्टम देती है, जिसके कारण हम हमारे अंदर बची हुई जो शक्ति है उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम उपयोग में, जो हमारे अंदर पेट्रोल है उसको हम खर्च करते हैं। वही हमारी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, और जो हमारे अंदर धरती है वो हमारी पैरासिंपथेटिक है, माने जो हमारे अंदर आती है और आकर के स्थित रहती है। इन्हीं दो शक्तियों के कारण हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीजें प्रतिक्रिया रूप, रिएक्शन के रूप बन जाती हैं, और उससे हमारे मस्तिष्क के दोनों तरफ में इस तरह से पर्दा पड़ जाता है कि हम उस सर्वगामी सर्वव्यापी शक्ति से छूट जाते हैं। ये कुंडलिनी जो कि हमारे अंदर नीचे रीढ़ की हड्डी में जाकर बैठती है, अपने को 3.5 कुंडों में लपेटती है। उसका कारण क्या है वो भी शास्त्रविदित है, किंतु वो अभी मैं नहीं बताऊंगी। 3.5 कुंडों में लिपटी हुई ये कुंडलिनी एकदम से उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, और उसी कारण उसके बीच में तार टूट जाती है। तार टूट जाने के कारण अपने यहाँ पर बीच की नाड़ी, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिसे कुंडलिनी उतरती है, उसके अंदर एक पूरी सी गैप हो जाती है, जगह बन जाती है। ये जगह हमारे पेट में बाहर से भी अगर डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हों तो जानते होंगे कि वेगस नर्व और कुछ लिप्स में भी ऐसी ही जगह हमारे अंदर है गैप। यही भवसागर, यही आदिकाल में बनाया हुआ भवसागर है, जो पहले आदि कुंडलिनी बनाई गई, और उस आदि कुंडलिनी को बना करके ही परमात्मा ने सारी सृष्टि की, और उसी का संपूर्ण प्रतिबिंब मनुष्य, परमेश्वर के सारी कृति का प्रतिबिंब परमेश्वर। जैसे ही बच्चा जीव धारणा करता है, उसके हृदय में स्पंदन होता है, वैसे ही शिव ईश्वर, जिनकी कल मैंने बात करी थी, वे आपके हृदय में विराजमान होते हैं, और वो दिखाई देते हैं एक अंगूठे के जैसे, कोई गर्व दीप चल रहा है, कोई गर्व जोत चल रहा है, दिखाई देते हैं। आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हमें दिखाई देते, आपको भी दिखाई दे सकते हैं, माने ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखाई दे सकते। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप कोई चीज को देख पा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि
जिसके पास माइक्रोस्कोप है उसको दिखाई नहीं देगा। आप भी माइक्रोस्कोप पालें और उसे देखें और जानें। हृदय में बसा हुआ यही जीव, इसी को हम लोग जीवात्मा कहते हैं, जिसे सोल लोग कहते हैं, कि जब वो धारणा करता है पिंड की तो उसे लोग जीवात्मा। कुंडलिनी, ये मैंने आपसे कहा कि शक्ति और हृदय में बसा हुआ ईश्वर, मनुष्य के अंदर शिव और शक्ति दोनों ही बसे, उनका मिलन होना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य तत्व में ब्रह्म तत्व की धारणा नहीं। हालांकि दोनों ही चीजें वहां पर, जैसे कि आपने अपने यहाँ गैस की लाइट देखी होंगी, मुझे बड़ी मजेदार लगती है कि उसके अंदर भी आपने देखा है छोटी सी ज्योत जलती रहती, और जब उसको पूरी तरह से आप खोल देते हैं तो गैस ऊपर से दौड़ जाती है और गैस के कारण वहां लाइट हो जाती। इसी तरह से मनुष्य में भी एनलाइटनमेंट जो आती है वो भी बिल्कुल इसी तत्व पे आती है कि पहले शिव की शक्ति हृदय में स्पंदित होती है और शक्ति जो है, शक्ति आदि शक्ति जिसे कही, वो शिव स्वयं जो ईश्वर स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, हृदय में स्थित होते हैं, और जो शक्ति जो कार्यान्वित होती है वो कुंडलिनी स्वरूप हमारी माँ यहाँ त्रिकोणाकार स्थिति में बैठी है। इसका स्पंदन आदि हम आपको दिखा सकते, यहाँ तो सबको कन्विंस करते करते इतने साल भी मेरी तो समझ ही नहीं आता है कि इतनी बड़ी चीज के लिए इतनी ज्यादा सबसे लड़ाई झगड़ा लेने की क्या जरूरत। आखिर आप ही का कल्याण और मंगल ही तो हम चाह रहे हैं, और जिनका हो गया है उनसे तो ये बात पूछनी है, किंतु इसके लिए भी इतना लोगों के समझा समझा करके आदमी पगला जाए। अगर मैं कल यहाँ एक हीरा रख दू और आपसे कहूँ कि देखिए यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ, किसी को भी चाय पी लेगा, कोई भी मुझसे नहीं झगड़ा करेगा, डिबेट नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, लेकर पहले हीरा दौड़ने को आए, वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये खरा है कि खोटा। और हीरे जैसे हजारों हीरे जिस शक्ति के द्वारा बने हैं, उस शक्ति के बारे में मुझे इतना संसार में समझाना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्या सारा जीवन ही ऐसा ही है, क्या ऐसे लोग होंगे ही नहीं इस संसार में जो इसको समझ सके, क्योंकि ये तो आम मांस देने की बात मैं कर रही हूँ, बहुतों को देने की मैं बात कर रही हूँ, दो चार लोगों को नहीं, अनेकों को होने वाली बात है और हो रही है, लेकिन जो होते भी हैं वो भी आधे अधूरे पूरी तरह से पाना नहीं चाहते। इसी कारण मुझे हालांकि नहीं कहना थी कि आप ये आए, लेकिन इसका यश नहीं आया जितना कि मैं कर पाऊँ। हमारे बीच में बीचों बीच जो गैप है, बीचों बीच जो वॉइड है, ऐसी वॉइड पहले आदि शक्ति की, और उसी वॉइड में हम जानते हैं कि नाभि पे ही माँ हमें अपना दान देती है, पहले अपना रक्त देती है माँ, उसी तरह से इस आदि शक्ति माँ ने की अपना रक्त इसी आदि मानव कहना चाहिए या आदि मानव की जो कल्पना है उससे नाभि की ही पहले रखी। जैसे कि कोई हमें बड़ा भारी सा कारोबार तैयार करे तो हम क्या सोचते हैं, इसका एक चेयरमैन बना दें, इसका एक वाइस चेयरमैन बना दें, इसमें दो चार सेक्रेटरीज हो जाएं, इस तरह से हम अलग अलग जगह लोग बनाते हैं। इसी तरह से आदि शक्ति ने भी मानव की रचना करने से पहले इस सब का विचार, और पंचमहाभूत से तैयार की हुई सृष्टि, अब ये भी बड़ा भारी आख्यान है, उसे आप छोड़ दीजिए, जो हम आपको दिखा सकते हैं वही हम आपको बताएंगे। इस पंचमहाभूत से निर्माण की हुई शक्ति के लिए सबसे पहले कोई न कोई पालन करता है, उस पालन करते का अधिष्ठान करना जरूरी है। पालन करता पहला बनाने पर ही सृष्टि बनानी चाहिए, इसलिए यहाँ पर नाभि चक्र श्री विष्णु की रचना, ये सत्य इसको मैं साइंटिफिकली प्रूफ कर सकती हूँ।
मैं कोई यहाँ हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की विशेषता लेकर नहीं आया। सभी धर्मों में अति विशेषता है, सिर्फ हमारे अंदर वो जीवंतता नहीं है जिसे हम पर। श्री विष्णु साक्षात नाभि पर अपने बसते हैं, क्योंकि तो जब हम कुंडलिनी की जागृति लोगों को देखते हैं और जब उनका नाभि गड़बड़ में रहता है, तब हम देखते हैं कि श्री विष्णु का नाम लेने से नाभि चक्र जो है खुल जाता है। लेकिन नाम रियलाइज आदमी को लेना चाहिए, नॉन रियलाइज आदमी तो उसी तरह का होता है जैसे कि आपका कनेक्शन तो लगा नहीं, आप टेलीफोन घुमा रहे हैं। जो रियलाइज आदमी किसी आदमी को जागृति देते वक्त ये देखे कि उसकी नाभि चक्र पे कुंडलिनी उठ नहीं रही है अपनी जगह से, तो वो श्री विष्णु का नाम और श्री विष्णु के नाम से कुंडलिनी वहां से उठ खड़ी हुई। श्री विष्णु की स्थापना में श्री लक्ष्मी जी ने उनकी शक्ति है हम लोग सब जानते हैं। ये बहुत अच्छा हिंदुस्तान में है कि ये सब बातें बचपन से हम अपनी दादी अम्मा और नानी अम्मा से सुनते आए। अब अगले जन्म के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि यहाँ लोगों का क्या होगा, लेकिन आज जो हाल है उसमें अब भी ऐसे बहुत लोग हैं जो श्री विष्णु को तो जानते हैं। श्री विष्णु एक सिंबल के रूप में नहीं है, जिसे कि हम सिंबल समझते हैं, सिंबल से कहीं अधिक। जैसे कि साइकोलॉजी में यूंग आदि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने कहा हुआ है कि मनुष्य स्वप्न में ऐसे ऐसे सिंबल से प्रतीक देखता है जो यूनिवर्सल है, जो सार्वजनिक है, सब जगह वही वही दिखाई देते। जैसे अगर किसी आदमी की मृत्यु होने वाली हो और उस पे अगर कोई हथियार इस्तेमाल होने वाला हो तो उसको एक विशेष तरह का त्रिकोण दिखाई देता है, और वो चाहे चाइनीज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। ऐसे हजारों उदाहरण उन्होंने दिए हैं और उस पर से निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति हमारे अंदर में है जिसको कि वो कहते हैं अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस। ऐसी कोई ना कोई शक्ति हमारे अंदर बसी हुई है कि जो इस तरह के प्रति बाहर की ओर है। ये जो शक्ति है, ये जो शक्ति हमारे अंदर इस तरह के प्रति खेत रहे, वही शक्ति है जो हमारे अंदर इस तरह के प्रति जब हम गहरे में उतरते, जब आध्यात्म की गहरी पैठ पे बैठते तब इन्हें हम लोग देखते। श्री विष्णु का स्थान हमारे नाभि चक्र पे है और नाभि में श्री विष्णु जिस सागर पे लहरा रहे हैं वो प्रेम का सागर। श्री विष्णु के नाभि से कहा जाता है कि ब्रह्मदेव की उत्पत्ति है। सही बात, नाभि से ही कार्य होने का है, इसलिए नाभि से ही माँ ने श्री ब्रह्मदेव जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है उनको निर्मित। इसमें कोई किसी धर्म विशेष की बात नहीं, मैं आपको बताऊं कि सारे ही धर्म हमारे इसी कुंडलिनी में बसे हैं और हम बाहर का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना चाहिए, सब धर्मों को एक लाना चाहिए, ऐसी बेकार की बात क्यों कर। हमारे अंदर ही हम इंटीग्रेटेड हैं, हमारे अंदर ही हम सब्लिमेटेड हैं, हम जरा अंदर झांकना तो देखें। जब सृष्टि की पहली पहली रचना हुई सबसे पहले परमात्मा ने गणेश की रचना, सबसे पहले उसका कारण गौरी जी ने परमात्मा कहने से भी आदि शक्ति ने सिर्फ उसके कोई बाप नहीं है, सिर्फ एक माँ है। जिन लोगों के हाथ से वाइब्रेशन जा रहे हैं वो जानते हैं कि जमीन पर भी वाइब्रेशन आते हैं, जहां छुए वहां वाइब्रेशन आते हैं। गौरी जी जो साक्षात आदि शक्ति का रूप है, उनके बदन में छुए हुए मैल से मतलब जड़ तत्व से जो बने थे तो ही श्री गणेश। श्री गणेश का होना बहुत आवश्यक, क्योंकि श्री गणेश शिव के बालक, अनंत के बालक श्री गणेश जो कि सिर्फ पवित्रता के अवतार, पवित्र ही उनका धर्म है, पवित्र ही उनका कर्म है और वो पवित्र में ही जीते। ऐसे श्री गणेश की रचना सबसे प्रथम उन्होंने सबसे नीचे जो मैंने दिखाया है मूलाधार चक्र पे उनको माता ने गौरी ने स्थापन, क्योंकि सारी सृष्टि व्यर्थ हो जाती
जब पवित्रता संसार से छूट जाए। आज पवित्रता के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हैं। आपको पता नहीं कि मॉडर्न कह करके और बड़े विचारवंत कह करके, इंटेलेक्चुअल्स कह करके भी पवित्रता को जो लोग हाथ डालते हैं वो जानते नहीं है कि सारे मानव जाति का आधार पवित्रता। ये बात शायद बहुत लोगों को पसंद ना, उसकी मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जो सही बात वो यही है कि पवित्रता के सिवाय सारा संसार गिर जाता। इसीलिए पहले श्री गणेश की, श्री गणेश की रचना हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पे क्यों नहीं करी और हमारे नीचे मूलाधार चक्र पे क्यों करी, इसकी भी एक विशेष बात। श्री गौरी जी के एक ही चक्र लेकर वो आई थी, पहले ही चक्र पे, मूलभूत चक्र पे। ऐसा कहा जाता है कि गौरी जी नहा रही थी और उन्होंने अपने मोरी के दरवाजे पर ही उनको दिखा दिया। बड़ा सिंबॉलिक है। वो जब नहा रही थी तब उनकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए वो माँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए छोटे से बालक को दिखा देती है। इसका अर्थ यही है कि जब भी हम धर्म में उतरना चाहते, जब भी हम परमात्मा से एकाकार होना चाहते हैं, तब उस शक्ति के बारे में जो हमारी माँ कुंडलिनी स्वरूप यहाँ बैठी हुई है, उसके प्रति एक छोटे बालक जैसा अबोध स्वभाव होना। बहुत से लोग सेक्स पर आज खड़े होकर के बातें कर रहे हैं कि सेक्स को सब्लिमेट करिए और उससे कुंडलिनी जागेगी। साफ साफ समझ लीजिए इस बात से कि सेक्स अपनी माँ पर लादने जैसी भूमिक बात करने से आप लोगों को तो उसी से चिड़ हो जा। कुंडलिनी आपकी माँ पहले ही यहाँ बैठी हुई है, पहले ही आप सब्लिमेटेड है। आपकी जो माँ इतनी पवित्र आपके साथ जन्म जन्मांतर से आपका साथ देती हुई, आपको संभालते हुए आज तक यहाँ आई है, और अभी जब मैं उसको जागृति देने का प्रयत्न करती हूँ तो आप ही की तरफ से कहती है मुझसे, नहीं पहले मेरे बेटे को तू ठीक कर, मेरे बेटे का ये चक्र ठीक नहीं है उसे तू ठीक कर। इसी कारण मुझे आपकी तंदुरुस्ती भी ठीक करनी पड़ती है। आपका अगर दिमाग खराब हो तो आपका दिमाग भी ठंडा करना पड़ता, तभी कुंडलिनी उससे खड़ी है। ऐसी माँ जो सिर्फ आपको देना ही चाहती है, जो आपके पुनर्जन्म के लिए आप ही के साथ बसी हुई है, उसके साथ ऐसा अन्याय करना इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पर मेरे ख्याल से इससे बढ़ के और महद अन्याय। मैं तो कहती हूँ कि क्राइस्ट को भी लोगों ने क्रूसीफाई कर दिया, उसका शरीर नष्ट कर दिया, तो इसकी बात है। लेकिन जो अपनी माँ की इस तरह से अवगति करते हैं और अपमान करते हैं वो अपनी कुंडलिनी को खो देते। इतना ही नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक ये माँ सुप्ता अवस्था में पड़ी रहे। ऐसा करने से सिर्फ उसका क्रोध उठता है, और वो ये जो दो बाजू में नाड़ियां दिखाई है, ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों पे नाचता, उसकी गर्मी के कारण मनुष्य नाचता है, कूदता है, चिल्लाता है, चीखता है। इतना ही नहीं, उसके बदन पे फूसी आ जाती है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि कुंडलिनी को हाथ लगा। ये वही लोग कहते हैं जो स्वयं सुप्रीम को नहीं जानते, जो माँ का पक्ष, वही लोग कहते हैं जो स्वयं उस अबोध बच्चे के स्वभाव को नहीं पहचान सकते जो उन्हें होना है। इस तरह की बातें वही लोग समझाते हैं जो स्वयं कुछ न कुछ गलत रास्ते कर रहे हैं और दुनिया को भरमाना चाहते, जैसे राक्षसों की योनि के लोग होते हैं। जो राक्षस योनि के लोग होते हैं उन्होंने ऐसे ही व्यभिचार कर करके और ये योनि प्राप्त की, और वही आपको ऐसे व्यभिचार की बातें सिखाते हैं कि अपने माँ पर सेक्स ला दिए, सेक्स को आप समझे। सेक्स तो आपके शरीर की जैसे कि घर में मोरी होती है उस तरह से आउटलेट है, मोरी है। उस मोरी पे, मोरी के पास ही, मतलब मोरी के रास्ते पर ही उन्होंने श्री गणेश को बिठाया कि कहीं उधर से कोई इधर आ न जाए, और लोग उल्टा काम करते हैं। सारे लोग ये उल्टा ही काम करें, और इसीलिए आप जहां जहां पढ़ते हैं ऐसे ऐसे कुंडलिनी जागृत होती है। इसका बड़ा बड़ा नाम दे रखा। अभी मेरे ध्यान में कितने ही लोग ऐसे आते हैं, मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है इनको ये कुंडलिनी जागृति किसने करा। अब वो कहते हैं हमारी कुंडलिनी जागृति,
कहते हैं कि 5 बजे बराबर आपकी जागृति हो। अब सोचना चाहिए कि भगवान के पास क्या घड़ी है कि वो 5 बजे आपकी जागृति करेंगे। ये तो कोई जीवंत चीज है जो स्पॉन्टेनियसली सहज में ही आंख में जागृत होती है और प्लावित होती है, जैसे कि एक फूल है वो फल हो जाता। हम कभी ऐसा कह सकते हैं साहब ये फूल है ये 5 बजे फल हो जाए, ऐसा कोई कह दे? इसी तरह की बात है कि हम कुंडलिनी 5 बजे आपकी जागृत कर दे। ये सब मशान की प्रेत की आदि लोग होते हैं जिनके बारे में कल बताऊं, लेकिन आज जो है वो मंगल ही बातें कर। इस कुंडलिनी को उठाने से पहले उसकी गणेश की आराधना करनी चाहिए, करते ही हैं और करना चाहिए, इसमें धर्म अधर्म की कोई बात नहीं। श्री गणेश कोई हिंदुओं का ठेका नहीं, हिंदू अपने को बहुत समझ रहे होंगे कि हम श्री गणेश के ठेकेदार हैं। अभी मैं वहाँ गई थी पूना में, वहाँ बहुत ब्राह्मणों ने मेरे विरोध किया और कहा कि उनको हम यहाँ भाषण नहीं देने देंगे कि ब्राह्मण। तो मैंने कहा आप जो ब्राह्मण है मेरे सामने, मैं देखना चाहती कौन ब्राह्मण। सब आके यूं 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 थर थर काँपने लगे। मैंने कहा क्या ये क्या हो? चले आप शक्ति हैं क्यों ना। मैंने कहा अगर मैं शक्ति हूँ तो फिर मैं यहाँ भाषण दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती? कहने लगे कि नहीं हमें तो ये विश्वास नहीं था पर हम बैठे। उसके बाद जब वो पार हो गए तो अब हंस हंस के बताते हैं कि कितने हम बेवकूफ। ब्राह्मण है कौन? जब तक आप दूसरे नहीं हो जाते, जब तक आप दूसरे नहीं हो जाते, जब तक आप शक्ति से बर्थ नहीं होता, तब तक आप ब्राह्मण। ऐसे तेहरान में हम गए थे तो वहाँ भी मुल्लों और लोग आए और कहने काफिर हैं और इनको हम हर जगह बेकार नजर आते हैं सारे धर्म वालों, इनको इनकी बात से बच जाओ, ये तो नमाज पढ़ा रहे हैं सबको। हमने कहा हम नमाज ही पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए। कल हम मुसलमान, मैंने कहा मुसलमान का मतलब, मुसलमान का मतलब है जो फिर से पैदा हुए। आप हुए? कल हाँ हुए। हमने कहा बैठी तरह हमारे सामने नमाज पढ़, नमाज तो पढ़ा गया, उनकी हालत ऐसे ऐसे होने लगी। मैंने कहा यही आप मुसलमान हैं जो मेरे सामने 2 मिनट भी आप हाथ नहीं कर पाते, आपकी आंख भी बंद नहीं हो पाती, आप आंख बंद करते तो आपकी आंख भी लपक रही। चले आप तो जादू करें। मैंने कहा जादू करें मंत्र करें, आप में अगर मुसलमानियत है तो आप रोक लीजिए। ऐसे ही धर्म के नाम पर कोई ठेका मारकर बैठ नहीं सकता, इसकी अथॉरिटी किसी को नहीं है। जब तक धर्म को जाना नहीं तभी तक किसी के झंडे लगाने से कोई नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ कि हिंदुस्तान में कोई आके झंडा मार दे सब मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी की पहचान है ऐसे ही धार्मिक आदमी। एक बार अंग्रेज अक्सर तो वही बात है, लेकिन एक बार एक अंग्रेज ने मुझे चोट की कि हिंदुस्तानी की क्या पहचान है, हिंदुस्तानी बड़े अपने समझते हैं वो, चले हिंदुस्तानियों की क्या पहचान। मैंने कहा बड़ी उसकी आसान पहचान, हिंदुस्तानी पहचान है और एक अंग्रेज पहचाना तो बताती हूँ। चले क्या पहचान? मैंने कहा एक हिंदुस्तानी की गले में आप हार पहना दीजिए, वो एक मिनट में उतार दे। लेकिन अंग्रेज से आपने पहना तो दिन भर वो पहन के घूमेगा, रात को आपने खाने पे बुला तो फिर पहन के आए। यह हिंदुस्तानी की पहचान है। मैंने कहा ऐसे ही धार्मिक आदमी की भी पहचान है। बाहर से एक आधा आदमी आपको बहुत बुरा लगता हो, लेकिन धार्मिक आदमी जो धर्म में खड़ा हुआ अंदर होता है, बाहर नहीं होता। अंदर से जो धार्मिक होता है वो दूसरी बात है, और बाहर से जो लंपट और झूठ बात बोलने वाला और ढोंगी और धुंधु आदमी कभी भी धार्मिक। और इसी वजह से हमारा धर्म सारे संसार का धर्म टूट गया, किसी को विश्वास ही नहीं रह गया। मैं हिंदू धर्म में जिसको कि आदि शंकराचार्य जैसे इतने महान बेटे ने इतना महान स्वरूप दिया था, जो कि स्वयं एक रियलाइज था, उसको कहाँ ले जाके गिरा दिया हमने। कहाँ मोहम्मद साहब और कहाँ उनका धर्म, कहाँ ईसा मसीह और कहाँ उनका धर्म। देख के नहीं बनता ये लोग कहाँ अंधे जैसे उल्टे ही चले जा रहे हैं। ये हमारी माँ कुंडलिनी यहाँ बैठी हुई है और इसीलिए श्री गणेश उनकी रक्षा कर रहे हैं वहां बैठे हुए। लेकिन वो बालक बालक बेचारे रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आतताई उन पर जब आक्रमण करते हैं तो मां नृत्य फुंकार करती है और उसी कारण सारे ही कुंडलिनी के दोष आते। उसके बाद नाभि चक्र में मैंने आपसे बताया है कि श्री विष्णु की स्थापना है, और स्वाधिष्ठान चक्र जो कि हमारे निर्मित के लिए बनाए गए हैं, जैसे हमारे औरतों का जो यूट्रस होता है वो आउट क्षेत्र से कंट्रोल होता है, जिसे हम स्वाधिष्ठान चक्र केंद्र से ही स्थापित करते। जो कुछ भी हम भी
निर्मित करते हैं वो सब स्वाधिष्ठान चक्र जो कि मैंने यहाँ 6 नंबर में दिखाया है उसी से। जैसे कि कोई बड़ा भारी लेखक या कोई बड़ा भारी कवि, जो कुछ भी ओरिजिनल जो आदमी बनाता है वो सरस्वती की आराधना करके होता है। सरस्वती इसकी अधिष्ठात्री देवी, इसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, इसलिए हमेशा गणेश के बाद हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। और इन सब पूजा में और सब चीजों में कितना अर्थ है वही मैं सिद्ध करने के लिए आई। जिसको ये लोग आडम्बर कहते हैं वो कितनी महान चीज है, लेकिन उसके अंदर का गहरा अर्थ, उसके अंदर की गहनता जिन्होंने समझी में, जो साइंस के झंडे लगाकर घूम रहे हैं उनको भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि साइंस में इसका क्या, बिल्कुल साइंस भी वहीं से आया हुआ है। अगर सरस्वती जी ना हो तो आइंस्टीन को पता ना चलता कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या। आइंस्टीन ने भी अपनी किताब की शुरुआत में ही ये कहा है कि मैं तो परेशान हो गया लेबोरेटरी में काम करते करते, किताबें पढ़ते थे, और उसके बाद मैं थक कर किसी उद्यान में बैठ करके तो बबल से खेल रहा था, साबुन के बुलबुलों से खेल रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि देन फ्रॉम समवेयर अननोन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डॉन्ड अपॉन मी, डॉन्ड अपॉन मी फ्रॉम समवेयर अननोन। इशारा उसी पर कि सारी निर्मित हमारे अंदर ही से हो रही है, बाहर से हम कुछ नहीं करते, जो कुछ बाहर है वो जाना है। उसके बाद मैंने कहा है आपसे कि पांचवा जो चक्र है नाभि चक्र, उसमें श्री विष्णु की स्थापना है, श्री विष्णु की स्थापना है, श्री विष्णु पालन करते हैं, उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी, जैसे सरस्वती जी भी बनाई गई बड़े सोच से बनाई। सरस्वती जी को हम सोचते हैं कि जैसे और सरस्वती जी हैं वैसे नहीं, ये बात है बड़ा सोच के बना, इसका सोच विचार बड़ा गहरा है। जो दृष्टा है उन्होंने नहीं बनाया है, परमात्मा ने उनको बनाया हो, इसलिए उसका सोच विचार बड़ा है। आपके लिए थोड़ा सा उसका विचार मैं दूँ कि आप की सरस्वती जी की मूर्ति अपने सामने, वो श्वेत वस्त्र है, श्वेत वस्त्र का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट। जैसे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि माँ आप सफ़ेद क्यों पहनती हैं, मैं विवाहिता हूँ और मैं वैसे हमेशा सफ़ेद तो पहनती नहीं, लेकिन ध्यान के समय जरूर सफ़ेद पहनती हूँ, जिससे मनुष्य का चित्त जो है वो मेरे रंगों में न उड़े। इसलिए सरस्वती को श्वेत वस्त्र बनाया है, और उसके हाथ में जो वीणा दी हुई है ये बड़ी जोर तक वीणा, ये अपने यहाँ का आदि गीत यंत्र है, वाद्य यंत्र है। और इसका अर्थ यह है कि जो आदमी पढ़ा लिखा हो वो संगीतकार है, उसको संगीत उतना ही मालूम होना चाहिए जितना एक सरस्वती के पुजारी को मालूम है। आपने देखा होगा बहुत से पढ़े लिखे लोग जो होते हैं इतने बेस्वाद होते हैं, उनसे आप 5 मिनट बाद फिर आपका सर दर्द हो जाए, बाबा किससे मिले, उनके अंदर जरा भी स्वाद मिठास जरा सी आप बात करने लग जाए तो बोर हो जाए, आप कहें बापे बाप किससे मिले, ये तो अपना सारा पांडित्य हमारे ऊपर डाले थे। ऐसे पढ़े लिखे लोगों से लोग भागते, ऐसा आदमी कभी भी सरस्वती का पुजारी नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा होना और सरस्वती का पुजारी होना बहुत ही महदअंतर। एक पढ़े लिखे आदमी में संगीत का, संगीत और हर एक कला का ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलाइजेशन कर लेने से आप विद्वान भी नहीं हो सकते, फिर रहा कहाँ आप सरस्वती के पुजारी हैं। जो आदमी एक चीज को जानता है उसको सब कुछ जानना जरूरी होता है, ये सरस्वती की पहचान। अब जैसे मुझे आप कहिए तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, वो है इकोनॉमिक्स और ह्यूमन लॉ, दो चीज मेरे बिल्कुल समझ से परे है। शायद हो सकता है कि ये सब कुछ बहुत ही आर्टिफिशियल है, इसी वजह से मैं नहीं समझ पाती, पर कला में मनुष्य को गति मिलनी चाहिए जब वो अपने स्वाधिष्ठान चक्र में पूरी होता है। उसके बाद नाभि चक्र में श्री लक्ष्मी जी का, श्री लक्ष्मी जी का भी देखिए बड़ा सुंदर सा स्वरूप बनाया है। उनके दो हाथ में कमल है, एक हाथ ऐसा है और एक हाथ ऐसा,
अभी जो वाइब्रेशंस ले रहे हैं वो समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या है। और दो हाथ में कमल होने का मतलब ऐसा है कि जो आदमी रही हो उसमें स्त्री और शोभा, एक शान है तो ये शोभा होना। कंजूस आदमी कभी भी रईस नहीं है, जो कंजूस है उसको रईस नहीं करना चाहिए, कंजूस ही है और पैसे वाला भी है। जिसके घर में शोभा है, जो कला का पुजारी है, जो कला का बढ़ाने वाला है, वही रईस है। और कमल से जो कोजीनेस है, उसकी जो आराम देता है, जैसे कि कोई भी भवरा आ जाए उसे अपने पास में खुला ले, ऐसा जो हो वही आदमी कमलापति कहा जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो हर एक आदमी सोचा मैं लक्ष्मी पति, लक्ष्मी का पति होने के लिए विष्णु जैसा पालन करता चाहिए, जो सारे संसार की ओर एक पिता की दृष्टि है और सारे संसार को अपना कुटुंब समझ करके उसके लिए रोता है। ऐसे पैसे वाले तो बहुत ही कम है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को तक जो संभाल नहीं पाते, उनके तक सुख दुख को जो चिंता नहीं कर सकते, वो लक्ष्मीपति करें, जो सारे ही संसार के सुख दुख को संभालने वाला है वही लक्ष्मी का पुजारी। इसी को हम लोग एनलाइटेंड इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। ऐसे अगर अपने देश में हो जाए तो अपने प्रश्न ही टूट जाए। लक्ष्मी जी का एक हाथ ऐसा होना और एक हाथ ऐसा होना बड़ा अर्थ। इस हाथ का अर्थ होता है कि लक्ष्मीपति को दान जरूर करना, दान अव्याहत करना, अपने आप करना चाहिए। दान करने में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि हम दे रहे हैं, देने का कोई मतलब नहीं, बगैर दिए हमें वो चुभ रहा था इसे हम निकाले दे रहे हैं। और ये हाथ ऐसा होने का मतलब है कि हमारा आश्रय, हमारे आश्रित हैं। जब कोई आदमी आपके पास दौड़ के आता है और कहता है भाई बड़ा परेशान, किसी तरह से मेरी मदद करें, पहले ही हमारे चार दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसको भगाने के लिए पांच आपके दरबार खड़े रहे, ऐसे आदमी को मैं लक्ष्मीपति नहीं। फिर लोग ये कहेंगे कि आप देने लग जाए तो उसका तो कोई अंत नहीं, मंगने वालों का तो कोई अंत नहीं, ऐसे भी देखते, ऐसी बात नहीं। आपके दरवाजे जो आए उसको मोड़ना गलत है, लेकिन आप शायद जानते नहीं है कि थोड़ा सा दिया हुआ कितना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने अपने छोटे से जीवन में, मेरे पति की कोई विशेष तनख्वाह नहीं है, मतलब ऐसे कोई बड़े रईस आदमी भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जहां भी जिसको मदद की मैंने थोड़ा सा उनके लिए कर ही दिया, और वो हजार गुना मेरे ऊपर बरसा, मेरे फैमिली पर बरसा, मेरे लोगों पर बरसा और दुनिया पर। अपना देना कभी भी व्यर्थ नहीं है। एक उदाहरण के लिए बात बताऊं, हमारे हम दिल्ली में रहते थे, कभी शरणार्थी आई और मुझे पास आकर कहने लगी कि माँ, तो मेरे बच्चा होने वाला था और वो शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगा, उनका माँ हमारे पास कोई जगह नहीं, आपके पास इतना बड़ा घर है हमें जगह दे दीजिए। मैं कहा हाँ हाँ आ जाओ रह जाओ। मेरे पति आए, वो घबरा गए, कहने लगे तू तो इतनी भोली हो, किसी को भी घर में रख लिया, कल अगर कोई आफत आ जाए। मैंने आ जाओ तो आ जाओ, अगर अपना बच्चा अपने घर में आ जाए तो आफत आ सकती, उसमें कौन सी बात। वो कहे भाई तुम्हारे से बात हमारी समझ में आती नहीं। कहा अच्छा चलो भाई, बाहर का कमरा खाली पड़ा उसमें रख दिया, कौन सी आफत आ जाए। अनजाने न जाने तुमने किसको, उनका भी ठीक ठाक व्यवहारिक है, अब हम अव्यवहारिक है। व्यवहार हमें ज्यादा मालूम है तो आप समझ लीजिएगा, वो थी हमारे घर में रही, उसके साथ बिचारी के साथ एक मुसलमान, और वो हिंदू थी कि उसके पति भी थे, अब वो मुसलमान उनके मित्र थे तो उनको भी भगा लिया था, अपने घर में रखा था। मैंने कहा चलो दोनों यही लो। फिर वहां पे दिल्ली में आफत थी और सब लोग आ गए और कहने लगे कि घर में भी ये मुसलमान छिपा है, आपको मालूम है, नौकरों ने बताया। उन्होंने आकर मुझसे पूछा, मैं साफ झूठ बोली। मैंने कहा कि अगर आप मुझे विश्वास करते हैं, मेरा इतना फुंकू देख के पहले घबरा गए, तो यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं, आप चले गए। वो चले गए, उसके बाद वो मुसलमान साहब से बहुत बड़े शायर है, आज हिंदुस्तान के एक वो बहुत बड़े शायर और आज जीवित है, वो मुझको बहुत मानते हैं, अपने काव्यों में भी उन्होंने बहुत वर्णन किया है इस प्यार का। लेकिन वास्तविक मैं तो उनको कुछ भी नहीं जानती थी, इतना बड़ा शायर उसको अगर मैं पनाह नहीं देती तो आज खत इतनी बड़ी कविताएं लिखते हैं
वो सब खत्म। वो जो स्त्री थी मेरे साथ, वो आज हिंदुस्तान में बड़ी भारी सिनेमा एक्ट्रेस, बहुत बड़ी सिनेमा, और जिसको एक बार मैं कभी उसके बाद मिली नहीं, वो बार बार मुझे खोजती रही, फिर मैं चली गई इधर उधर, मेरे पति जाते रहे। उसके बाद एक बार मैं बम्बई में आई तो हमारे कुछ नवयुवकों ने सोचा कि हमें सिनेमा बना, मुझसे कहने कि देवी जी से आप कहिए कि वो इसमें ऐड करें। मैंने कहा मैं उसे नहीं कहूँगी। कहा क्यों? मैंने कहा उससे एक बंधन है, उसे छोड़। जिस दिन का मुहूर्त हुआ तो वो आई, मुझे देखते साथ वो रो पड़ी, कहले माँ तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारा है? मैंने कहा इसीलिए नहीं बताया कि मैं जानती थी कि अगर मेरा सोचकर तुम एकदम इस पे फांस पड़ो, मैंने कहा था तुम्हारा सोच विचार। इस तरह से न जाने कितने ही बार, हजारों में आपको उदाहरण दे सकती हूँ कि दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, रोका हुआ जरूर व्यर्थ हो जाएगा। कल अगर आपके यहाँ पर क्या वो होता है ना डिमोनिटाइजेशन, वो हो जाए तो गया, कल कुछ गड़बड़ हो गई तो गया। दीजिए, दोनों हाथों से दीजिए, घबराइए नहीं। इस हाथ से आप दे रहे हैं और इस हाथ से आपके पास आ सकते। लक्ष्मी जी के अपने नाभि चक्र में होने का यही कारण है कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पाते हैं, पेट में हमारे जो भी अन्न जाता है उसका डिजेशन, उसकी पचन और क्रिया श्री विष्णु जी के हवाले है। इसलिए जिन जिन को डायबिटीज होता है अधिकतर वो अगर दान करें ठीक हो जाए। आपको आश्चर्य होगा कि डायबिटीज के लोगों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप दान करें। दान से जो देते हैं वो मुड़ कर अपने पास हजार गुना आता है और मनुष्य के लिए बड़ा आशीर्वादी है। इसी तरह से पेट के जितने भी विकार, जितने भी पेट के विकार हैं, सारे ही विकारों का इलाज श्री विष्णु करते हैं। श्री विष्णु का अवलंबन करने का मतलब ही यह है कि हमारे अंदर दानशीलता है, बड़ा होना। जो आदमी बड़ा हो जाता है उसको पेट की शिकायत कम है। ये कुछ है ऐसा, आपको दिखने में अजीब सा लगता है पर ऐसी बात है। आप करके देखिएगा, जिनको भी शिकायत पेट की हो आज जाकर कहीं किसी को दान करते, किसी का पेट भर के आया आप देखिएगा कि आपका पेट है। ये शास्त्रोक्त बात है क्योंकि हमने इसको बहुत बार आजमाया और लोगों ने भी आजमाया, इसका बड़ा फर्क पड़ गया। उसके बाद हृदय चक्र में मैंने आपसे पहले कहा था कि शिव जी ईश्वर स्वरूप बसे, शिव जी का हमारे अंदर होना आवश्यक है क्योंकि वही साक्षी, वही क्षेत्रज्ञ जिसे कहते हैं, वो सबके जानने वाले वही साक्षी हैं। हमारे अंदर कोई न कोई एक ऐसा बैठा हुआ आप सबको प्रतीत होता है जो सब हमारा है। हम अगर झूठ बोलते हैं तो, सच बोलते हैं तो, अच्छे बोलते हैं तो, दान देते हैं तो, बड़े होते हैं तो, छोटे होते हैं तो, सब कुछ जानने वाला हमारे हृदय में साक्षी स्वरूप जो बैठे हैं तो परम ईश्वर वही आत्मा स्वरूप हमारे हृदय में विराज। लेकिन हृदय चक्र तक पहुंचने से पहले जो मैंने बीच की गैप दिखाई है यही सारा भवसागर है, जिसके बीचों बीच, जिसके बीचों बीच श्री विष्णु का स्थान और उसके ऊपर में ब्रह्मदेव बैठ करके सारी सृष्टि की निर्मित कर सारा भवसागर बनाया गया। अब ये भवसागर बनाने के बाद प्रश्न ये हुआ कि मनुष्य को किस तरह से पार किया, मनुष्य भी बन गया, अब इसको पार कैसे किया जाए, इस मनुष्य को पता कैसे हो, इसमें ब्रह्म तत्व कैसे आया, माने इसमें बैठे हुए शिव और शक्ति का मिलन कैसे हो, योग कैसे बने। इसके लिए एक विशेष तरह की व्यक्ति संसार में तैयार की जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के तत्व को पकड़ के बनाई गई, जिसे हमें श्री दत्तात्रेय जी के नाम से मानते हैं। और श्री दत्तात्रेय जी कोई नहीं है लेकिन आदि गुरु हैं और मेरे भी गुरु हैं, अनेक जन्मों ने उन्होंने मुझे सिखाया। श्री दत्तात्रेय जी के जन्म के बारे में सुनकर और उनके अनेक जन्मों के बारे में सुनकर आप लोग स्तंभित हो जाए कि कितनी बड़ी भारी बात हम लोग भूल रहे हैं। श्री दत्तात्रेय जी के जन्म अनेक पहले तो हम कह सकते हैं कि उनका जन्म राजा जनक की दशा में हुआ, जब उनकी लड़की श्री सीता जी स्वयं साक्षात शक्ति थे। उसके बाद उनका जन्म मच्छिंद्रनाथ, धोराष्ट्र
और मोहम्मद साहब जिनको कि हम सोचते हैं कि बिल्कुल ही दूसरे तरह के आदमी थे, वही वो हर तरह से प्रयत्न किया था। पहले तो संसार में श्री दत्त आदि लोगों ने ये सिखलाया कि इस तरह के अलग अलग हमारे अंदर में प्रतीक स्वरूप इतनी चीजें हैं, वो करते साथ लोग उसी प्रतीक को पकड़ गए, मूर्ति पूजा में फंस गए। उनका मतलब ये था कि इस मूर्ति से परे शक्ति को पहचान, इसलिए पहले मूर्ति की बात की। जैसे कि फूल होता है, फूल में बैठे हुए शहद के लिए फूल की बात पहले उन्होंने की कि जिससे लोग शहद थे, लेकिन लोग उसी फूल पर चिपक गए। तो फिर ऐसे उन्होंने अवतार लिए जिसमें उन्होंने शहद की बात की, जिसे उन्होंने अब्स्ट्रैक्ट गॉड की बात की, उसमें उन्होंने पुनर्जन्म की बात जानबूझ के नहीं की, क्योंकि पुनर्जन्म की बात अब भी सब लोग उसे पूछे, पाता जी हमारा पहला जन्म बताओ, जो मरा गया जन्म है उसको क्यों जाना चाहते हैं, आज का ही जन्म ठीक है इसी से पार हो जाइए, उसमें क्या विशेषता है, आप राजा थे या महाराजा थे या भिखारी थे, इससे क्या अंतर नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस पर बात नहीं। मोहम्मद साहब भी उसी दत्तात्रेय के अवतार हैं और उसी के अवतार राजा जनक थे और उसी के अवतार नानक थे, जिनकी बहन नानकी थी वो भी वही श्री आदिशंकर, वही सीता जी। और अब आपको और बताओ तो और आश्चर्य आएगा कि जो शिया पंथ शुरू हुआ था मोहम्मद साहब के बाद, उनकी जो लड़की फातिमा थी वो भी वही आदिशंकर, और उनके जो दो बच्चे थे हसन और हुसैन, बाद में जब उन्होंने देखा कि सारे सदिया संहार सत्ता करने के बाद भी मनुष्य समझ में नहीं आया, तो वो बुद्ध और महावीर के नाम से पैदा हुए और उन्होंने अहिंसा का धर्म संसार में ला करके कोशिश की कि शायद हो अहिंसा के आने से ही ये लोग पार, लेकिन नहीं बना माने। अब कहां किससे आप लोग लड़ रहे हैं, किससे आप झगड़ा कर रहे हैं? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर एक आधा मुसलमान है तक जा तो उससे कहती हूँ कि तू दत्तात्रेय का नाम है, और अगर कोई हिंदू अटक गया तो उससे मैं कहती हूँ मोहम्मद साहब का नाम है। आपको पता नहीं जो आज बड़े भारी हिंदू बने पहले जन्म में मुसलमान है। मैं जब ईरान में गई तो वहां देखती हूँ कि ध्यान में बैठे हुए लोग घंटा चला रहे और तिलक दे रहे और आरती कर रहे, क्योंकि जो एक स्थिति पे बहुत रहता है, एक अतिशयता पे रहता है, वो दूसरी अतिशय जाता है पेंडुलम से। धर्म तो बीचों बीच ना, आप हिंदू ना मुसलमान, सब तो हमारे पेटी में घुसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आप जब मेरे और हाथ करते हैं ध्यान में, आज सवेरे बहुतों ने ऐसा हाथ किया था और अभी भी आप लोग करें फायदा रहेगा, ये नमाज का धर्म। लेकिन क्या मुसलमान जानते हैं कि क्या चीज है, या हिंदू जानते हैं क्या चीज, और सर पे हाथ रखने की चीज क्रिश्चियंस में आप जानते हैं कि बैप्टाइज जब करते हैं तब सर पे ही उनके पानी डालते, सहस्त्रार्थ से पानी डालते। उसके बाद हमारे हृदय में बसे हुए श्री शिव जी को, उनको जानना बहुत कठिन बात, वो अत्यंत भोले हैं, माने यह कि वो सिर्फ देने वाले, वो सिर्फ देखते रहते हैं, सुपरवाइजर, वो शक्ति का सारा खेल देखते रहते। लेकिन जब कुंडलिनी उठकर के हृदय चक्र से ऊपर चली जाती है, हृदय में है हृदय चक्र में नहीं, मैंने सुना कि कोई बड़े भारी लेखक है उन्होंने कहा है कि हृदय यहाँ पे होता है, हृदय पर नहीं है हृदय चक्र, हृदय चक्र जो कि बीचों बीच है वहां से सिर्फ सुनना, उसका कारण कि शक्ति अलग ही रहती है जब तक वो ऊपर तक ब्रेन की ये जो लेख है जिसको मूर्धा कहते हैं वहां तक नहीं पहुंचती, तब तक शक्ति जो है अकेली है, वहां जाकर वो जब बरसने लगती है वो दोनों साइड से, तब हृदय में हृदय की साइड में उसका शिव से मिलन होता है, और जब नीचे से नाभि पर वो मिलते हैं तभी ब्रह्म तत्व तैयार होकर के ऊपर जाता है और ऊपर का ये आज्ञा चक्र जो कि जुड़ा हुआ है वो खुल जाता है। शिव जी के पत्नी के बारे में जो कुछ भी कहा गया है बिल्कुल सच, देवी महात्म्य आप पढ़े उसमें का एक ही अक्षर गलत है। मार्कंडेय स्वामी भी बहुत बड़े दृष्टा थे, उनका भी एक भी अक्षर पूर्ण नहीं है, झूठ नहीं है, एक भी अक्षर बिगड़ा हुआ। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मनुष्य ने कहां तक और कैसे देखा इस बारीकी से
आप तो कहते हैं कि सब माया है, और माया होते भी ना माया को पहचाना, ये भी मनुष्य की कमाल। लेकिन मार्कंडेय स्वामी का नाम भी देख सकते थे वहां। उन्होंने जो सप्तसती में श्री दुर्गा जी का वर्णन किया वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भवसागर से लोग जब पार करा रहे थे तब उनको मदद करने के लिए शक्ति को अनेक रूप धारण करना पड़ा, और जब शक्ति अपने ही आप संसार में उतरती है तो अकेले ही उतरती, तब वो अनेक देवियों के रूपों में आकर के उन्होंने सारे राक्षस जो कि भक्तों को जो पार हो रहे थे उनको सता रहे थे उनको मारा, उनका संहार। लेकिन कोई फायदा नहीं, संहार किया फिर से आकर से जिंदा हो गए, कलयुग में सारे फैले वो फिर से आ गए। लेकिन उस वक्त में भक्त को संभालना ही जरूरी, उस वक्त में पार करने की बात कहाँ, वहां तो सब ऐसी हालत थी कि शरीर तक मनुष्य का दुख, शरीर ही तक तो वहां कोई बात नहीं थी कि ये शरीर ही बच जाएगा, इसलिए उनका संहार किया गया। वही जो देवी है जिसको कि हम आदिशक्ति के नाम भगवती के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही शिव जी की पत्नी बनकर के उस समय बहुत लोगों का संहार किया। उसके बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पे हम जब आते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि बहुत ही आधुनिक काल में आ गए। मोहम्मद साहब से पहले ही थोड़े दिन पहले ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह साक्षात प्रणव स्वरूप, साक्षात प्रणव है। आप सोच लें कि गणेश की जो है वही ईसा मसीह, उनका जो क्रॉस है जो यहाँ पे मैंने क्रॉस बताया गया वही वो क्रॉस है जो कि श्री गणेश, इनका से आपने देखा होगा कि स्वस्तिक बनाया गया, स्वस्तिक का कुछ हिस्सा हटा दीजिए तो क्रॉस है, वही श्री गणेश का जो प्रणव स्वरूप है वही प्रणव स्वरूप जब आदमी बन करके संसार में आया वही ईसा मसीह। ईसा मसीह ने ही संसार में भूत निकाले और किसी ने नहीं निकाले, उन्होंने तो मार ही डाले सबको, कृष्ण भी जो थे उन्होंने भी मारे। ईसा मसीह को मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि विशुद्धि चक्र पे भी कृष्ण का, लेकिन ईसा मसीह की जो माँ थी वो स्वयं राधा थी, इसलिए उसके स्वरूप मैं पहले उनको बता रही हूँ। जो आज्ञा चक्र पे जहाँ दो दिखाया गया वहां श्री कृष्ण जो थे उनकी पत्नी राधा, राधा रा माने एनर्जी चेतना और धा माने धारणा करने वाली राधा, ये शुद्धि चक्र पे कार्य करती है। और यहाँ पर भी आप डॉक्टरों से पूछे तो 16 सब प्लेक्सेस है हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस में, उनके भी 16 कलाएं, वो संपूर्ण। लेकिन संपूर्ण होने पर भी कार्य उतना पूरा इससे नहीं हो पाया कि सारा जीवन इन दुष्टों से लड़ते लड़ते खत्म हो। इतने महादुष्ट उन दिनों में थे कि व्यर्थ हो गया उनका सारा, हालांकि सारा जो कुछ भी लीला का वर्णन है ये सहज योग, ये सहज योग है। आपको आश्चर्य होगा कि उनका मट्टी का फोड़ना और पेट में सब लोगों को बंधवा लेना, राधा जी की मट्टी का फोड़ना, सब में सहज योग, क्योंकि वो वाइब्रेटेड पानी जमुना से ले जा रही थी, उनके पांव जमुना जी में पड़े रहते थे, जमुना जी का पानी वाइब्रेट होता था उसे उठा के ले जाती थी, तो वो चाहते थे कि पानी वहाँ गली में पड़ जाए, रास्तों में पड़ जाए, उसकी मट्टी को तोड़े। क्या राधा जी बात को जानती नहीं, पूरी तरह से जानती। लेकिन उस वक्त इस तरह से अगर हॉल होते और लोगों से बात की जाती कि भाई तुम लोग ध्यान में जाओ, लोग कहते क्या पागल हो गए, हम तो घर गृहस्थी के आदमी, हम कहाँ ध्यान में जाए। असल में सहज योग घर गृहस्थी के ही आदमियों में हो सकता, इन सन्यासियों में और नहीं हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने सहज योग की प्रयोग के लिए साधारण गोपियां, साधारण तरह के रहने वाले लोगों को ही चुना। आप नहीं जानते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि बड़े सन्यासी और तपस्वी और फलाने और ढिकाने हो सकते हैं, हो जाए, उनसे किसी का कारण नहीं हो सकता, किसी का सेल्वेशन नहीं हो सकता। हाँ,
ये जरूर है कि एक बड़ा भारी योगी, बड़ा भारी तपस्वी हो गया तो वो किसी को अगर भस्म करना चाहे तो भस्म कर सकता, किसी को आंख खोले तो भस्म हो गए। आपने भगीरथ प्रयत्न को पढ़ा है कि भगीरथ प्रयत्न में बताया गया बेचारे उस भगीरथ के बाप दादाओं को उसके भस्म कर, ये भी कोई बड़ी भारी चीज है कि जिसको देखो उसको आप भस्म किए दे रहे। ऐसे ही पातिव्रत के आदि जो सावित्री की शक्तियां हैं, जो सावित्री की बात करते हैं, गायत्री की बात करते हैं, ध्यान रखते कि वो लोग अंदर से कभी भी शांत और सुख और प्रेममय नहीं हो सकते। हाँ वो तेजस्वी हो सकते हैं, प्रखर हो सकते हैं, क्योंकि चंद्र नारी जिसको मैंने यहाँ दिखाई पाई उस पर भी चलते उस तेजस्विता को पाकर करना भी क्या है। आज उसको भस्म किया, कल फिर वो अपने को भस्म करेगा। जितने भी साधु और बड़े बड़े अपने को समझते हैं कि हमने इस तत्व को पा लिया, उस तत्व को पाला, वो यही जानते हैं कि प्रेम तत्व को उन्होंने पाया नहीं, बाकी सारे तत्वों को पाया। और ऐसे ही बड़ी बड़ी पतिव्रताएं, भगवान बचाए रखते उन लोगों से जिन्होंने कि सावित्री की शक्ति को अपने अंदर में समा लिया था। उन्होंने कौन सा बड़ा भारी तारण कार्य किया? मेरे कृष्ण को तब तो उन्होंने श्राप देकर के खत्म, जिन्होंने उसको तक नहीं पहचाना ऐसी पतिव्रताएं किस काम? बहुत ही सेल्फिश है सालिका, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो सारे समाज के लिए, सारे संसार के लिए करुणा मन विचार करें आप। इसलिए जो जो लोग पीड़ा नारी पर काम करते हैं वो भी वही है, और जो पिंगला नारी जो कि दूसरी नारी बताई गई है उस पर काम करते हैं वो भी वही। पहले जो बहुत एक्सीडेंट करते हैं माने संन्यास लो, ये लो, वो लो, ये लोग भी वही हैं। और जो लोग ये कहते हैं नहीं ये भी खाओ वो भी खाओ मध्य खाओ पियो वो भी, इधर वो भूत योनि लाते और इधर ये तेजस्वी योनि लाते, दोनों से देश का आपके विश्व का कुछ भी संकट दूर नहीं हो सकता, नहीं इसमें प्रेम स्थिति आ सकती, नहीं हमारे अंदर तारण, तारण करने वाला जरूरी था, इसीलिए वहां पर कृष्ण की स्थापना हुई जो राधा जी का पति था। आपको आश्चर्य होगा कि मेरी स्वयं राधा, वो भी कारण, वो भी एक बड़ा भारी कारण। सीता जी जो कि राम की पत्नी विवाहिता, उसके साथ समाज ने जो अन्याय किया, उसको घर से निकाल करके उससे दूषित और कलंकित करके जब किया, तब ये बड़े बड़े तेजस्वी लोग क्यों आंख बंद करके बैठे? इन लोगों ने तब क्यों नहीं कहा कि हमारी ये माँ इसे तुम घर से निकाल रहे हो, जिसे अग्नि परीक्षा दी है? तब इनके मुंह क्यों बंद हो गए थे? इनकी तेजस्वीता कहाँ गई थी और इनकी अकल कहाँ मारी गई थी? बड़े बड़े उस वक्त में एक से एक लोग थे, किसी ने कोई बात तक नहीं कही। उनके ही अकल देने के लिए राधा जी ने कृष्ण से लौकिक विवाह नहीं किया, तो भी सारा संसार कृष्ण का नाम राधा कृष्ण से ही जाता। लेकिन उसे विवाह का बंधन, लौकिक विवाह का भी बंधन बहुत मान्य था, और इसी कारण उसके बच्चा नहीं हुआ। किंतु उसके अगले जन्म में जब वो मेरी बन के आई, तब उसके लड़के ने चार चांद लगाए उसे, जो कि स्त्री कुंवारी दशा में, कोई कठिन काम नहीं है कुंवारी दशा में बच्चा पैदा करना। अगर आप रियलाइज सोलर आप उस दशा में है, जैसे मैं आज सहस्रार से हजारों बच्चे पैदा कर रही, क्या मुश्किल है अगर कोई चाहे तो अपने वूम से भी ऐसा बच्चा पैदा करे, अपने गर्भ से भी ऐसा बच्चा पैदा करे, कोई ऐसी कठिन ही बात नहीं। लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया, और आज हालांकि इसका वो दुनिया की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से लेजिटिमेट चाहता, लेकिन आज दुनिया से आ गई मेरी एक बड़ी भारी महाशक्ति मदर, उसको लोग डिवाइन मदर कहते हैं। ये उसके बच्चे का काम, ऐसा बच्चा परमात्मा करे सकते हैं। लेकिन उसको भी किसने छोड़ा? उसकी भी जान खाली 34 साल की उम्र में सबने उसको मार डाला। इसी समाज ने जो आज बड़े अपने को हिंदू मुसलमान और फलाने कहते हैं, उस वक्त वो किसी रूप में आते, ये जो बड़े समाज के ठेकेदार हैं इन्हीं लोगों ने उनको मारा। कोई सब किसी की जू नहीं देंगे, किसी को ये नहीं लगा इतना बड़ा महान आत्मा संसार से विदा ले रहा, इतनी छोटी सी उम्र में असहाय
कि संसार से उन्हें जाना पड़ा। आज हजारों उनके नाम पर इन लोगों ने धर्म वर्म बनाए, उसका क्या धर्म तो कुछ बन ही नहीं पाता। कहां वो और कहां उनके बनाए हुए, उन्होंने एक ही चीज पर बहुत जोर दिया था कि हमारे अंदर जो विनाशी शक्तियां हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जिसको कि वो शैतान कहते थे, जिसको कि वो भूत कहते थे, स्पिरिट कहते थे, उनको वो निकाल देते। और आज सारा क्रिश्चियन किंगडम जो है वो स्पिरिट से ही काम करता है। शर्म की बात है कि जिस चीज को उसने हमें ईसाई मना किया, वही चीज हम बार बार करें। जैसे मोहम्मद साहब ने हमेशा यही कहा कि बाबा कम से कम शराब मत पियो, तो मुसलमान जितना शराब पीते हैं उस पर कविता लिखे और संसार में कहीं आपको नहीं मिलेगा। मतलब मैं कहती हूँ कि मोहम्मद साहब की तरफ से मैं पूछती हूँ कि क्या यही मुसलमान धर्म है, और ईसा मसीह की तरफ से मैं पूछती हूँ क्या ईसाई धर्म यही, और आदि शंकराचार्य की तरफ से आप सबसे पूछती हूँ क्या हिंदू धर्म यही। कि जो मिथ्या पे ही आप बैठे हैं और सारे जग को मिथ्या बताने वाले आदि शंकराचार्य को भी ठिकाने लगा रहे, इस आज्ञा चक्र पे उनका वास। हमारे यहाँ जो लोग आज्ञा चक्र तोड़ते हैं और आज्ञा चक्र पे जिनको, जो आदमी पागल होता है, जिनको साइकोसोमैटिक ट्रबल्स होते हैं, जिनको कि लोग कहते हैं कि उनको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रबल है, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट भी है, वो भी बहुत बड़े आदमी है, वो भी इस पर काम कर रहे हैं, वो भी ईसा मसीह का नाम लेने से ही भूत भाग, सबके भूत भाग भगवान के लिए एक उनका नाम काफी है। लेकिन हम तो किसी का भी नाम कहीं पे भी रखते रहते, उसकी जगह तो जाननी चाहिए, उसकी वजह तो जाननी चाहिए, उसका एप्लीकेशन तो मालूम चाहिए। ये सभी कुछ मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन आपके समझने पर भी है, आपके पाने पर भी बहुत कुछ नहीं है। आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार में 1000 हमारे अंदर 982 नाड़ियां हैं, ऐसे डॉक्टर कहते हैं, 1000 ये कहते हैं। मैंने भी उसे देखा है कि ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई कमल हो, बड़ा सा कमल हो, और जैसे कि बाइबल में इसको कहा है स्टेम्स ऑफ फ्लेम, माने ये कि किसी लपटों की कोई जैसे जीभें लगी हुई, जैसे कोई आग की लपट हो उसकी जीभें में, उस तरह की इतना बड़ा ऐसा, इससे भी थोड़ा बड़ा ऐसा कमल, बहुत सारी ऐसी लपटे सर में ऐसे ऐसे दिखाई दी, और उसके बराबर बीचों बीच अपने ये ब्रह्मरंध्र है जो सहस्त्रार है, जिसको छेदने की जाए। जब रियलाइजेशन होता है तब मनुष्य इसी को छेद कर पार होता। आज बहुत समय भी हो गया और आज का विषय भी कुछ विचित्र सा था, कुछ नया सा था। आज और कल मैं इस पर बताऊंगी कि सहयोग से कैसे छेदा जाता है, उसमें क्या क्या रुकावटें हैं। कल सवेरे मेडिटेशन का समय आदि के बारे में यहाँ अनाउंसमेंट होगा, इसे आप सुने और मेडिटेशन में आए। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब बेकार, सब व्यर्थ। जब तक आपके अंदर ये अनुभव नहीं होगा तब तक ये सब ही व्यर्थ है। इसलिए अनुभव में, अनुभव के बाद ही आपसे ही बात करें, लेकिन बगैर बताए हुए कोई इस रस्ते पर भी तो नहीं आता। इसलिए मैंने इसके विशेष तरीके से सब बताया हुआ, और आप लोग भी इसे ऐसा ही समझे कि बताया हुआ सब खत्म हो गया। कल मेडिटेशन का समय है, उस वक्त आप आइएगा। आज मेडिटेशन नहीं हो पाएगा शाम के वक्त में, कल सवेरे काफ़ी देर तक हम लोग मेहनत करेंगे जिससे आप लोग पार हो जाएं। और लेक्चर भी होगा और मेडिटेशन भी होगा, कल संडे का दिन है, सब कुछ छुट्टी उट्टी साफ करके कायदे से सब बनाया गया है। हालांकि परमात्मा के लिए थोड़ा सा समय हमको देना है, थोड़ा सा समय दे दीजिए, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। आप भी साथियों से परिचय कराने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा समय अगर आप दे दें तो काम बन जाएगा। अभी आज भी बहुत से लोग पार, इतने लोग पार हो गए, मैं बहुत इतनी खुश रहने का आज मैं ये बात न करती, लेकिन उस खुशी में ही मैंने सारी बातें खोल कर कह दी है। और आशा है कि कल आप लोग बहुत से पार हो जाएंगे, जिससे उसे जान लें जिससे कि हम बात कर रहे हैं, और जिसके कारण ये सारी सृष्टि की रचना हो करके, सारी सृष्टि बन करके अंत पे आकर खड़ी, सारी सृष्टि की आगे की बात आपके हाथ दारो मदार, आप ही के हाथ में है। आपसे विनती है कि आप लोग जरूर कल आए, कल सबकी व्यवस्था होगी। आज असल में हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग मेडिटेशन में आए, इसलिए थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई थी। कल हम उसकी पूर्ण व्यवस्था करेंगे, अगर आप लोग एक आसन ले आए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर इतनी दरी वरी का कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही थी।
इसलिए अगर आप अपना ही एक आसन है दरी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जमीन ही पर बैठ जाएंगे और मेडिटेशन हो जाए। इसमें कुछ नहीं करना होगा, कुछ नहीं लाना होगा, नहीं कुछ देना होगा। वास्तविक आप मुझे कुछ भी नहीं देते, जैसी भी कुछ हालत है इसमें आप मुझे कुछ नहीं दे सकें। अगर कुछ मुझसे ले सकें तो मैं बड़ा आपका धन्यवाद करूँगा।